प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में भारत आज जिस स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना सेमीकंडक्टर फैब, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण देश का ये सपना कभी साकार नहीं हो सका। वक्त ने करवट तब ली जब देश ने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी विकसित भारत के निर्माण की। करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक धर्रे पर चल रहे देश का गियर बदला तो भारतीय सेमीकंडक्टर फैब का सपना साकार हो उठा। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है उसका एक और उदाहरण है माइक्रोन। जून 2023 में जिसकी घोषणा होने के 90 दिन के भीतर ही गुजरात के सानंद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था और अब इस साल दिसंबर तक पहली चिप का निर्माण होने की संभावना है। अपने इन चारों मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में अपनी अहम भागीदारी तो सुनिश्चित कर ही ली है, लेकिन साथ ही चिप मेकिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने जा रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट, असम के मोरीगांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसेट प्रोजेक्ट और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसेट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। अमृत काल में भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की विकास यात्रा तेज गति से जारी रहेगी और भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनकर उभरेगा।